श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामे जारी हुए हैं, पर हुक्मनामे लागू करवाने वास्ते अज पुछण आए हैं कि सानू दसो कि जिहड़े हुक्मनामे जारी हुए हैं इन्हां नू लागू किन्हां ने करवाना है। सानू जगह दस दिओ कि ये सुखबीर बादल ने करवाने हैं कि तख्तों के जथेदारां ने करवाने सी कि हुक्मनामे दीआं पिंडां शहरां दे विच धज्जियां डाईआं जा रहीआं ने, जथेबंदियां ने इन्हां नू एक जात पत्र नाल हुक्मनामे दीआं कापियां वी ला के दित्तियां ने कि कितें हुक्मनामे जिहड़े तुसीं किस बॉक्स में रखे ने वो तो रहन दो पे भावें जेडे हुण ही अपने वालों दिते ने इन्हों लागू कराया जाए। कोई भी पाठी मर्यादा की उलंघना करता है उन्होंने हजूर साहब के पटना साहब की एक ही सेवा लग जाए, वह दूजी तरह कताई नहीं करेगा, कोई मर्यादा की धज्जी नहीं धज्जिया नहीं डावेगा। ये जात पत्र वा जो असी अगली आ रवे तो उठागे उदों जिन्ना चिर लागू ये नहीं करवाते उन्न चर अं घर च नहीं जावे। ये ना कह क्योंकि सानू दस दिन कि कोई हरिद्वार तो हुणे नहीं लागू, ये कोई चंडीगढ़ तो लागू तो हुणे नहीं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज सत्कार कमेटी पंजाब रागी ग्रंथी सभा बटाले तो ये याद पत्र लैके श्री अकाल तख्त साहब पहुँचना सानू तां पै गया कि समय समय के नाल श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामे जारी हुए हैं, पर हुक्मनामे लागू करवाने वास्ते अज पुछण आए हैं कि सानू दसो कि जिहड़े हुक्मनामे जारी हुए हैं इन्हां नू लागू किन्हां ने करवाना है। सानू जगह दस दिओ कि ये सुखबीर बादल ने करवाने हैं कि तख्तों के जथेदारां ने करवाने सी कि हुक्मनामे दीआं पिंडां शहरां दे विच धज्जियां डाईआं जा रहीआं ने, तो श्री अकाल तख्त साहब तो अजे तक कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया गया। 2015 पिछली दिन लंबे समय तो गुरु ग्रंथ साहब दीआं बेदबियां हो रही ने, श्री अकाल तख्त साहब तो अजे तक कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। पिछली दिन बहरामपुर के श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बेदबी दिन दिहाड़े करके गया दुष्ट, ना तो उत्थे कोई जथेदार पहुंचा, प्रचारक भेज देंदे ने, प्रचारक की करते हैं कि प्रशासन नाल रल के उतों जी जी बेदबी गुरु ग्रंथ साहब की हुई आओ लै चली आपू इन्हों श्री अकाल तख्त साहब लै चलीए, पर खोज न मिटाने वास्ते कोई कार्रवाई सख्त करने वास्ते नहीं। अज ये जथेबंदियां ने इन्हों एक याद पत्र नाल हुक्मनामे दीआं कापियां भी ला के दित्तियां ने कि कितें हुक्मनामे जिहड़े तुसीं किस बॉक्स में रखे ने वो तो रहन दो पे भावें जिहड़े हुण ही अपने वालों दिते ने इन्हों लागू कराया जाए। नामधारी कूके वर्गे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च अपने ते चंदवा ला के गुरु ग्रंथ साहब के बराबर गद्दियां ला रहे हैं, काने ढेसियां वाले वर्गे ला रहे हैं, वडभाग सिंह के डेरे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के मनमत की जा रही है। ये मनमत नू रोक सकते तो ठीक है, जे ये नहीं रोक सकते तो ये सिख कौम नू दे देण कह देण कि साडे वस दा प्रोग्राम नहीं। श्री अकाल तख्त साहब के असी नहीं ये सख्त फैसले लै सकते, असी ये नहीं लागू करा सकते। एक होर साडी मंग आ कि गुरद बेदबियां रुक सकदियां ने जिहड़ियां हो रहीयां ने, ये इत्थों इन्हां नू अज असी लिखती दिता कि जिथे भी जिन्हें भी गुरु घर ने पिंड पिंडां ते शहरां दे विच उत्थे पहरेदारी होनी बहुत जरूरी है। जे हरिमंदर साहब के अंदर पहरेदारी है, श्री अकाल तख्त साहब के अंदर पहरेदारी है, तो की पिंडां विच पहरेदारी नहीं? हर एक पिंड हर एक शहर जिते जिते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उत्थे पहरेदारी लागू कराई जाए। जे वो पहरेदारी गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी नहीं लागू करा सकती, उतों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वापस श्री अकाल तख्त साहब लिया जान। ये सख्त फैसला जड़ा वा सारिया जथेबंदियों ने रल के ये लैना पैना, जे असी ना लिया तो आने वाले समय के असी मूँह दिखाने जोगे नहीं होना, क्योंकि थावां थावां ते बहुत दुखदाई घटना वापरियां ने। गुरद्वारा साहब दी प्रबंधक कमेटियां बेअमरधारी ने, कोई अमरधारी नहीं है। जिथे जिथे अमरधारी हैं वो सत्कारयोग है, पर जिथे नहीं अमरधारी उत्थे अमरधारियों का हुक्मनामा जारी होया पर लागू नहीं किया जा रहा। इदां ही चठेरियां दी जगह ते फिर दोबारा श्री खंड पाठ साहब करवाए जा रहे ने, करन वाले पाठियां ते ग्रंथियां दे ते करवाउण वाले जिहड़े उत्थों दे नुमाइंदे ने उहनां दे उपर तुरंत प्रशासन कोलों इन्हां वालों बनती कार्रवाई भी इन्हों करवानी चाहिए है, कानूनी कार्रवाई, तो गुरमत अनुसार श्री अकाल तख्त साहब तो भी कार्रवाई करवानी चाहिए सी। इन्होंने अज तक कोई भी नहीं कराई, कोई भी पाठी
मर्यादा की उलंघना करता है उन्होंने हजूर साहब के पटना साहब की एक वरा ही सेवा लग जाए वह दूजी वरह कताई नहीं करेगा कोई मर्यादा की तजी नहीं तजिया नहीं डावेगा। इस करके अज ये जड़ियाँ जुम्मेवार सिंह इतने पहुँचे ने यह जात पत्र वा जो असी अगली आर आवे तो उठागे उदों जिन्ने चर लागू ये नहीं करवाते उन्ने चर अं घर नहीं जावे ये ना कह क्योंकि सानू दस दिन कि कोई हरिद्वार तो हुणे नहीं लागू ये कोई चंडीगढ़ तो लागू तो हुणे नहीं कोई भाजपा के ला उन्होंने तो लागू करने नहीं ये कराने तो करने इन्होंने आ जे इन्होंने करवाए ने हुक्मनामे जारी तो लागू भी इन्होंने करने ने ते जेकर इन्होंने लागू हुण ना कराए तो मेरी सिख कौम नूं बेनती है कि दास भजेगा नहीं विकेगा नहीं झुकेगा नहीं तो श्री अकाल तख्त साहब तो श्री अकाल तख्त साहब नहीं इन्हों के दफ्तर के अगे इन्हों के दफ्तर के अगे सानू बहना भी पै जूगा तो बहवे जरूर वाहिगुरु जी का खालसा तो असी वेसले हो जाइए वा घर खाली छड़ के आप चल जाइए घूमन चोरों तो पता ही है कि हुण घर विच नहीं कोई भी तो उन्होंने चोरी करनी करनी है असी घूमते फिरते बाहरले देशों च डालर कट्ठे करने वास्ते इदा ही है जी रागी प्रचारक सारे जो तुरो वीजा लग गया हुण 6 महीने उत्थों आना नहीं आ जिन्हें बाबे बने माफ़ी दो पल के मैनू है तो मैं भी उदा इतने रहना नहीं है भाव के फिर भी जो असी कौम के सारे जथेदार बाहरले मुल्कों नूं भज्जण लग पैण वा तो फिर इतने मेरे हिसाब से मुश्किल ही आ कि गुरु घर प्रबंध सही रह जाए लंबे समय तो बेदबियां हो रही हैं बड़े चिर तो गल चल रही है कि पहरे देने लगातार चालू करिए चाहे पिंड गुरुद्वारे या शहर के पिंड ड्यूटी लाई जाए पर हजे तक उस चीज़ा से अमल क्यों नहीं किया जा रहा कई पिंड अमल हो गया वा जे गुरु नानक नाम सिख ने वो वधाई दे पात्र मैं कहो उन्होंने जेडे गुरु ग्रंथ साहब गुरु मानते उन्होंने पता साडे इन्हां तो बगैर गल नहीं बननी बच्चे के आनंद कार्ज होंगे ने गुरु ग्रंथ साहब के गाड़ी होंगे ने जे गमी के खुशी का कोई प्रोग्राम होंगे तो गुरु ग्रंथ साहब के गाड़ी होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब दसवें पातशाह की जगदीत कहा जाता पर मनिया नहीं जा रहा जेकर असी मान लीए तो जो साढ़े घर लुट खो होएगी तो असं पहरेदारी ठीकरी कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के घर भी पहरेदारी ठीकरी हर एक पिंड नहीं कहना मेरे पिंड सारे पिंड लागू करवा जेकर लागू नहीं कराते लागू होएगी तो बेदबियां रुकनगियां ये सानू पहल के आधार से इतों इन्होंने फैसला लेना चाहिए वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू देखो जी उन्होंने कहा कि नाल ही पत्र याद पत्र भी दिता तो नाल उन्होंने हुक्मनामे दी कापियां भी ला के दी क्योंकि नवे आए इतने हूँ कि पता नहीं होंगे हुक्मनामे कि जारी हुए अं दे गए हैं कि आ हुक्मनामे जारी हुए जी इन्हू लागू कराया जाए।